तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, और मैं कह रहा हूं कि पैसा बोलता है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि पैसा बोलता है तो आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे बोलता है, हमने तो पैसे की आवाज नहीं सुनी, हमने तो सिर्फ खन खन सुनी है सिक्कों की। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नोट भी बोलते हैं, नोट बोलते हैं भ्रष्टाचार की जुबान। अगर भ्रष्टाचार की जुबान होती तो आवाज कैसी होती, वो हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। लोहरदगा में भंडरा प्रखंड है, भंडरा प्रखंड में एक स्वयं सेवक और एक प्रखंड के कोऑर्डिनेटर के बीच की बातचीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस बातचीत में कोऑर्डिनेटर कबूल कर रहे हैं कि हाँ भाई, वीडियो साहब को मैंने 25,000 रुपए से भरा हुआ लिफाफा दिया, लेकिन इस मामले में कोशिश हो रही है कि फिलहाल वीडियो साहब स्वयं सेवकों को फोन करके कहते हैं कि भाई इसे मैनेज कर लो वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या इस मामले को मैनेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप तय कीजिए। सबसे पहले हम आपको भ्रष्टाचार का वो ऑडियो सुनाते हैं, आप सुनिए, उसके बाद इस पर बाद में चर्चा करते हैं। सुनाइए ऑडियो। अभी तो मेन समय आ रहा है जी, अभी देखिए, अभी तो हम लोग सब छटाइल आदमी को घर दे रहे हैं, समझे ना, जो जो बचल है डाटा में जबरदस्ती दे रहे हैं, कहाँ लागू करेगा। सही बात है, अभी तो आवाज प्लस आ रहा है, एक से एक खान लोग योजना तो अब मजा आएगा और पैसा भी आएगा। सही बात है, ऐसा है ना, अपना जवान में जब टिके रहिएगा तब ना काम करने में मजा आएगा। तो जवान से भैया, आप जवान से फेल करते रहिएगा हमको ना सर, हम छुपे हैं, हमको काटते ही नहीं देंगे, हम अभी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो छुप के काटेंगे, तैयार है लेंगे। नहीं, ऐसा हम लोग जगह कोई नहीं बोला है, मैंने नहीं देने का तो बात कोई नहीं किया है, सब देने ही का बात किया है। तो यही है कि होली उली को लेके थोड़ा सा आदमी उलझन में, ये सबको पर्व त्योहार है ना भाई, ठीक है मेरा नहीं था लेकिन बाकी का तो है ना। देखिए हम, देखिए हम जिस दिन पैसा डाले है ना, यही हम ऐसी बृहस्पति को पैसा डाले थे, ठीक है ना, नहीं सोमवार को पैसा डाले थे, इतवार छोड़ दिए, सोमवार को नहीं था, सोमवार का अकाउंट में सबका क्रेडिट हो गया। सोमवार को हम भी उस दिन अपना सैलरी एफपीओ किए थे, सैलरी हम उस दिन आप लोगों को मिल गया था, अपना सैलरी भी एफपीओ किए थे। अच्छा, मेरा भी मैसेज आ गया शाम को लगभग क्या बजे थे जानते हैं, 2,500 तक सैलरी आ गया, उसी समय सबका क्रेडिट हो गया एक साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम कहाँ बोले होली के दिन किसी को फोन किए, उसका दूसरे का दिन भी फोन किए, नहीं सही बात। हम उसका तीसरे दिन फोन किए जब वीडियो साहब आ गए, आप लोग बैठे हुए देख रहे हैं, हम भी जल गए बैठे हुए, कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है। जब वहाँ से आए देखो वीडियो साहब बैठे है, गए साइन कराने के लिए लेटर उठा, तो हम बुला के ले गए अपना, नहीं बुला के चैम्बर से फिर ले गए, उठा के ले गए अथी अपना आवाज। अच्छा, चैम्बर में बहुत तरह के लोग आते है ना, तो बोले चलो भाई सर बैठते हैं, कैसे ले गए बैठे तो बोले अरे सुनते बोला हो गया है ना, तो बोले हाँ सर हो गया है, तो क्या हुआ सर, तो हम बोले सर वो तो छुट्टी सब था लेकिन हाँ हो जाएगा सर, तो लगता लगे सर नहीं है, फिर हम बोले मैं उससे देखो कैसे है ना। तो अब हम फिर आनंद थाना में वहाँ से निकले, और उसका चार पांच लड़का आया था, उसे अगले आया था है ना, जो महारथी लोग था ना सब भागल था, जो दिलवीन लोग था आया था। अच्छा, तो हम अथी रामदीप को और अथी को दिलवीन को फोन किए, बोले कोई भी हालत में हमें कुछ पैसा भी चाहिए है ना, सब आनंद फारन में अभी सबको मैंने क्या बोलिएगा, थोड़ा बहुत बचले है उसने नहीं दिया है। हाँ तो आनंद फान में सब निकाला 25,000 रूपया है ना, लाके हम वही सबको बोले लिफाफ भी लेके आइएगा, तो बोल रहे सर अरे हम पहुंच गए ब्लॉक में, अच्छा आइए आइए जल्दी आइए, इसके लिए जिनको ले किया है वो सादा कागज जेरोक्स पेपर मोड़े है ना, और सर वही बैठले थे, फिर गए सुधरे सुधरे, हम बोले सर इतना हुआ है और बाकी एक दो दिन में तो नहीं किया है, नहीं कर पाया है, तो एक दो दिन के अंदर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बोले ठीक है, देख लो ना ज्यादा टाइम मत लगाना चाहते हैं, हम बोले ठीक है सर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं।
हो जाएगा, कोई दिक्कत तो उस दिन कर दिए तो हमको बड़ा रिलैक्स लगा। हाँ वही सही बात है, कमिटमेंट है ना। उसके बाद बता रहे हैं ऐसे हम लोग स्वयंसेवक लोग सबसे मीटिंग बुलाए थे दीदी की किस तरह की बात है, लेकिन हम आप लोग को नहीं जाने दिए, फिर हम सबको मना कर दिए कि नहीं जाइए हम लोग संभाल लेंगे सर। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ मीटिंग खत्म हुआ तो कोऑर्डिनेटर किरण लेके बोला। अब आप इस कहानी को समझिए, ये ऑडियो भंडरा लोहरदगा के अंदर भंडरा प्रखंड है वहां का है। प्रखंड कार्यालय में एक पोस्ट होती है जिसको कहते हैं स्वयं सेवक, जिन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती। तो भाई इनका काम क्या है, जब कोई आवासीय योजना या बाकी योजनाएं आती हैं तो उन योजनाओं का सही से क्रियान्वयन लोगों तक के पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना इनका काम है। जैसे प्रधानमंत्री आवास, अगर 6 महीने के अंदर एक प्रधानमंत्री आवास पूरा हो जाता है तो 1200 रुपए इन्हें मिलते हैं उसके लिए संतुष्ट होने के बाद। तो कुछ स्वयंसेवक भंडरा प्रखंड के तहत भी काम करते हैं, 5 से 6 की संख्या में। इन्होंने कई घर वर बनवाए, संतुष्ट होने के बाद लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए के आसपास में इनके लिए आए। अब कोऑर्डिनेटर के थ्रू इन्हें काम मिलता है। कोऑर्डिनेटर ने कहा कि भाई ऐसा है कि 80% पैसे मेरे, 20% पैसे आपके। कारण यह है कि अभी आने वाले वक्त में बहुत सारा काम आने वाला है, उस काम में आप लोगों को ही जिम्मा मिलेगा। और साथ में कोऑर्डिनेटर साहब कह रहे हैं कि देखिए बीडीओ साहब ने मुझसे पूछा कि भाई उसका क्या हुआ, तो मैंने किसी से मंगवा करके 25,000 रुपए जुगाड़ करके एक लिफाफे में डाल करके और बीडीओ साहब के पास पहुंचा दिए और कहा कि भाई बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो पैसे हैं वो भी आपके पास पहुंच जाएंगे। साफ साफ कहा जा रहा है। हमने इस खबर को दिखाया, डंके की चोट पर दिखाया। अब आप तय कीजिए कि क्या बीडीओ साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या कोऑर्डिनेटर साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार का ये ऑडियो साफ साफ कह रहा है कि हिस्सा ऊपर तक जाता है, बीडीओ साहब हिस्सा ले रहे हैं, इसमें कबूलनामा है, साफ साफ कहा जा रहा है। अगर इसकी ढंग से जांच की जाए, कम से कम स्वयं सेवकों से बात की जाए, अगर स्वयं सेवकों से बात की जाए तो इस वीडियो ऑडियो का सच सामने आ जाएगा, वो स्वयं सेवक खुद अपनी पीड़ा बता देंगे। लेकिन अब तक जांच की जहमत नहीं उठाई गई है, लेकिन अब तक जांच की जहमत नहीं उठाई गई है। अब आप सोचिए कि अगर कोई स्वयं सेवक काम करता है उसमें से 80% पैसे मांग लिए जाते हैं तो उसके पास क्या बचेगा, वो अपना घर परिवार कैसे चलाएगा। क्या अगर 80% रुपए जो देगा तो वो जो घर तैयार करवाएगा प्रधानमंत्री आवास के तहत वो घर कैसे होंगे। बहादुर तांती हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि भंडरा के एक स्वयं सेवक है। तांती साहब, एक ऑडियो हम चला रहे हैं जिसमें कोऑर्डिनेटर साहब साफ साफ कह रहे हैं कि भाई बीडीओ साहब को मैंने 25,000 रुपए दिए, अब इसमें यह भी ऑडियो में है कि 80% हिस्सा मांगा जा रहा है, 20% आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। आप एक स्वयं सेवक हैं, किस हद तक सच है ये ऑडियो, क्या भंडरा प्रखंड में यही चल रहा है तांती साहब? जी हाँ सर, हम लोग के द्वारा पैसा ट्रांसफर करने से पहले 80% मांगा गया था, लेकिन हम लोग जब विरोध किए तो 60% में आके बात तय हुई। उसके बाद हम लोग को ये पैसा अकाउंट में ट्रांसफर किया गया जिसमें ये 3,50,000 जिला द्वारा दिया गया भंडरा प्रखंड को जी, जिसमें इसमें 60% कमीशन के हिसाब से 2,10,000 मांगा गया जी। और हम लोग अच्छा ताती साहब, आपसे पैसे की मांग करता कौन है? जी कोऑर्डिनेटर साहब के द्वारा मांगा गया है। कोऑर्डिनेटर साहब मांगते हैं। अच्छा कोऑर्डिनेटर साहब कह रहे हैं कि वो हिस्सा ऊपर तक जाता है, बीडीओ साहब तक को जाता है, वो तो कबूल कर रहे हैं कि भाई 25,000 रुपए मैंने उनको दे दिया है और बाकी के पैसे उन तक पहुंच जाएंगे, ये तो एक योजना का हाल है। तो इसका मतलब है कि बीडीओ साहब तक हिस्सा जाता है? जी यस एकदम जी। तो अब इस मामले में आप लोग क्या मांग करते हैं, चूंकि आप लोग स्वयं सेवक हैं भाई, आप लोगों के आय का साधन यही है, अगर आप 60% दे देंगे तो फिर आप लोगों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, आप लोग अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे। तो इसी बात का जब हम लोग विरोध किए कि हम लोग पैसा नहीं देंगे तो हम लोग को काम से हटाने की बात कही गई, जिसमें डीडीसी सर का मीटिंग हुआ था, उसमें जब ये बात उठाई गई तो हम लोग को भारी दबाव दे करके बात को चुप करा दिया गया।
आप लोगों में मुझे जो जानकारी मिली कि आप लोगों तक बीडीओ साहब भी संदेश दे रहे हैं कि भाई फिलहाल इस मामले को मैनेज कर लिया जाए। हाँ बोला गया था, और बीडीओ साहब के पास हम लोग गए भी थे, बुलाए थे कि क्या क्या एविडेंस है प्रस्तुत कीजिए। हम लोग जब उनको दिए तो हम लोग ये फिर बाद में वो कंप्रोमाइज के लिए भी बात किए थे, जिसमें हम लोग दो मुख्य मांग रखे थे कि सर हम लोग जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं उनको यहाँ से दूसरे जगह स्थानांतरण कर दिया जाए, और हम लोग जो पैसा इकट्ठा करके दिए हैं 70,000 उसे वापस कर दिया जाए। अच्छा, तो यानी मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई कि आप बीडीओ साहब कॉम्प्रोमाइज के लिए भी तैयार हैं। जी, तो इस बात पर बीडीओ साहब हम लोग को कोई ठोस जानकारी नहीं दिए, और हम लोग को मतलब थोड़ा सा डराने का काम किए कि ये सब होते रहता है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, हम इस बात से मुकर जाएंगे तो आप लोग को कुछ नहीं होगा, आप लोग कोर्ट कचहरी दौड़ते रहिए। और क्या लोहरदगा डीसी की तरफ से भी कोई खबर आई है कि वहाँ कार्यालय में किसी तरीके की इस मामले को लेकर के जांच हो रही है? जी, उस बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया बहादुर साहब। बहादुर साहब की सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने बोली है, जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, कि वीडियो साहब कह रहे हैं कि मैं तो मुकर जाऊंगा कि मेरा ऑडियो नहीं है, और आप कोर्ट कचहरी करते रहिए, आपके चप्पल घिस जाएंगे पर वीडियो साहब का कुछ नहीं होगा। और वीडियो साहब ने सही बात कही है, और वीडियो साहब ने कोई गलत बात नहीं कही है, बिल्कुल सही बात कही है। और अब हमारे साथ एक और स्वयं सेवक जुड़े हुए हैं, कमरूज जामा। कमरूज साहब, सारी बातें तो हो गई, बहादुर जी ने सब कुछ बता दिया, लेकिन एक बात तो तय है, वीडियो साहब ने कहा कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं करोगे तो मैं तो कह दूंगा कि मेरा ऑडियो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप अदालत जाएंगे, चप्पलें घिस जाएंगी, पर वीडियो साहब का आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कमरूज साहब जी, जी, और सबसे बड़ी चीज है सर कि जो भ्रष्टाचार जो पूरे ब्लॉक में हर जगह जो अभी चला हुआ है, और ये बेखौफ होके इस तरह का अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग क्या उम्मीद रखेंगे गवर्नमेंट पर। अच्छा, आप तो एक स्वयं सेवक है कमरूज साहब, स्वयं सेवक के लिए ये जो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो भी आपके हिस्से में आएंगे, मायने रखता है, आय का साधन आप लोगों का मुझे लगता है कि यही है, यही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, इसमें भी 60% हिस्सा मांग लिया जाता है। 2016 से लेके अभी तक जो है ना, हम लोग को कोई प्रोत्साहन राशि मिलता नहीं है, और इसके लिए बार बार हम लोग आंदोलन भी करते रहे हैं रांची में, और आज के डेट में जब गवर्नमेंट से अगर थोड़ा बहुत हम लोग को पैसा अगर आता भी है तो इस तरह का होता है, मांग लिया जाता है कहीं ना कहीं, डरा के धमका के और बंदरबाट किया जाता तो है। अब देखिए, सरकार आपको सुन रही है, जनता आपको सुन रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि लोहरदगा के डीसी साहब भी आपको सुन रहे हैं। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार से, डीसी साहब से, जनता से, सर किसी से? उपायुक्त महोदय से हम इतना ही कहना चाहेंगे सर कि जब इस तरह का वारदात अगर होता है और अगर इस पर कड़ी कार्रवाई अगर नहीं किया जाएगा तो आने वाले वक्त में विश्वास उठ जाएगा प्रशासन से आदमी को, और बेखौफ होके भ्रष्टाचारी जो है पूरे ब्लॉक में या पूरे अंचल में और पूरे विभाग में फिर सीना ठोक के लेना देना करेंगे और कोई उन लोग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और कल जाके यही बात होगा कि लोग बोलेंगे और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो लेने देने वाले हैं, वो लोग भी सीना ठोक के बोलेंगे कि भाई हम लोग के ऊपर तो कार्रवाई होता नहीं है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे भी कहा जा रहा था हम लोगों को कि आप लोग जो भी करना चाहते हैं करके देख लीजिए, आप लोग हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर डीसी महोदय सुन रहे हैं तो हम इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उन पर कार्रवाई किया जाए ताकि लोगों को सबक मिले, और भ्रष्टाचारी से जो गरीब जनता है जो आज ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं और पैसे नहीं होने के वजह से उन लोगों का जो काम नहीं होता है, तो वैसे पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई होगा तो जनता को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। एक एक आखिरी सवाल जो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आप एक स्वयं सेवक हैं, जी जी, और जब स्वयं सेवक एक पूरे प्रखंड के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो
तो क्या उस स्वयं सेवक को डर लग रहा है? नहीं नहीं डरने की कोई बात नहीं है, अगर डर होता सर तो हम लोग इतना बड़ा कदम उठाते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को प्रशासन पे, हमारे उपायुक्त महोदय पे और उप विकास आयुक्त महोदय पे हम लोगों को काफी भरोसा है और विश्वास है कि सच्चाई की जीत होगी, इसीलिए हम लोग ये कदम उठाए हैं। अगर आज हम लोग हार जाते हैं तो आने वाले वक्त में तीना ठोक के भ्रष्टाचारी जो है डंके की चोट में ये काम करेंगे, बस इसी चीज का अफसोस है। चलिए चलिए बहुत शुक्रिया, ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया कमरूद साहब। मैं उम्मीद करता हूँ कि कमरूद जमा जो बोल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि भंडरा के वीडियो साहब वो सुन रहे होंगे, और अगर आप सुन रहे होंगे वीडियो साहब तो आपको शर्म तो आ रही होगी। अगर कोऑर्डिनेटर साहब आप सुन रहे होंगे तो आपको भी शर्म आ रही होगी, और डीसी साहब अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको इंसाफ देना पड़ेगा। आपको वो जो लूप होल है, जिस लूप होल के आधार पर वीडियो कह रहे हैं कि भाई मैं तो इनकार कर दूंगा कि मेरा ऑडियो है नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए, कोऑर्डिनेटर को बोल दूंगा कि भाई मैंने पैसे लिए नहीं है, और कोऑर्डिनेटर बोल देगा कि मेरा ऑडियो है नहीं, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? सर अगर ये वीडियो साहब वहां पर तैनात रहेंगे तो आप सोचिए कि स्वयंसेवक जिन्होंने आवाज उठाई है, इतनी हिम्मत की है, उनका क्या होगा, उनका घर कैसे चलेगा, उन्हें जवाब कौन देगा? इसलिए आपको सर इसमें कोई ठोस डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत ठोस डिसीजन की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप वो ठोस डिसीजन लेंगे नहीं, जब तक इसमें का जो फैसला है आपका वो एक उदाहरण नहीं बनेगा, तब तक ऐसे भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगी। अब आप तय कर लीजिए कि कमरूद जमा और बाकी जो स्वयंसेवक हमारे साथ जुड़े थे उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं। यह बेहद जरूरी है कि आप ये श्योर करें कि इन लोगों को